ट्रोल करना बंद करो ब्लॉग में, समझा क्या? हाँ हेलो गाइस, चाय पी लो। तो वेलकम टू डीजे ब्लॉग, दिस इज ब्लॉग नंबर 70। तो आज भी मैं जाने वाला था जॉगिंग वॉकिंग जो भी है उसके लिए, पर अलार्म ही नहीं बजा। तो अभी 6:45 हो रहे हैं और 6 हम लोग 6 बजे जाते हैं, पर अभी लेट हो गया तो नहीं गया। पर अभी हमको 8 बजे एक फ्रेंड के घर पे जाने का है, सबको एक मीटिंग है बेरोजनामा की, तो उसके लिए तैयार होता है। अच्छा हुआ नहीं गया वरना बहुत हेक्टिक हो जाता। नेट चालू नहीं किया था, मैंने अभी नेट चालू किया और व्हाट्सएप पे देखा तो सबका कैंसिल हो गया है, कोई भी नहीं गया। तो अभी कल ही जाएंगे सीधा, और अभी नहाने जाता हूँ और निकलना है, अभी वापस जाना है वहाँ जहाँ मैंने आपको बोला था। सो अभी मैं निकल गया हूँ, ये मास्क में आवाज़ बरो बार आता ही नहीं है। अभी मैं निकला हूँ घर से और अभी जाते हैं। ए ओए, अच्छा इधर बैठू क्या? क्या है भाई, कैसा है? हेलो, बहुत दिनों बाद मिला दी। हेलो गाइस, दीपेश ब्लॉग में आपका स्वागत है। गजब बेइज्जती है, बहुत ही मजा आ रहा है। मतलब ऐसा बाहर निकल के अलग ही फीलिंग आ रही है। और ये लोग पीछे लूजर, ये वाला जो वॉइस है मैंने एडिट में डाला है एज अ वॉइस ओवर, क्योंकि पता नहीं क्यों तो इस वाले क्लिप में ये लोग दोनों मेरी तारीफ कर रहे थे कि मैं कितना अच्छा व्लॉगिंग करता हूँ और दिल का कितना अच्छा हूँ। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे ये लोग। तो गाइस, हम लोग अभी आदित्य के घर पे पहुंच चुके हैं और मैं व्लॉग नहीं कर रहा था पर ये लोग ने बोला व्लॉग कर। ऐसे दोस्त हैं मेरे जो व्लॉग करने बोलते हैं पर व्लॉग देखते नहीं है कभी, उनको व्लॉग का नंबर भी याद नहीं रहता है। हम लोग बिजनेस मीटिंग करने वाले हैं, प्रोफेशनल एकदम खुफिया मीटिंग। सो गाइस, ये रहा सस्ता राकेश झुनझुनवाला, राकेश कुनकुनवाला। इसने 10 करोड़ लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और सारे हार गया है गेम में। अभी मोमोज बेचने वाला है ये कल से। पैसा ही पैसा होगा। सो गाइस, मीटिंग वीटिंग तो बहाना था, इसके लिए आया था मैं। नहीं, ये खाने का जर ट्रोल करना बंद करो ब्लॉग में, समझा क्या? हेलो गाइस, चाय पी लो। आएगा वो भी आएगा। तो गाइज, अभी हम लोग थोड़ा टेरेस वेरेस पे आए हैं, यहाँ पे बातें करेंगे खुली हवा में। और ये चेयर देखो। तो अभी 11 बजे के पहले घर पे पहुँचना था पर अभी 12:30 हो गए, बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। सब बहुत कुछ सोचा गया करने का है, सब देख रहे अभी। सो आने वाले दिनों में पता चलेगा सब। मैं घर पे आया और मौसम क्या बारिश होने वाली है बाहर, अभी बहुत सही मौसम हो गया। सो दोस्तों, मैं आपको आज एक बहुत ही सही चीज़ दिखाता हूँ। आप लोग नारियल पानी तो पीते ही होंगे, तो आप जब नारियल लेके आते हो तो उसमें से पानी निकालना बहुत हार्ड हो जाता है कभी कभी। तो ये देखो, ये है नारियल निकालने का मैकेनिकल टूल और ये उसके साथ में आता है। तो आपको बस नारियल लेना है, एक्चुअली ये छीला हुआ नारियल है पर आप इससे ना छीले हुए नारियल का भी पानी इजीली निकाल सकते हो। इसको ऐसा आया, अंदर गया, इसके अंदर जो है वो इससे निकालता है, उसको अलग रख देते हैं। ये होल करने के बाद आपको सिर्फ एक ग्लास लेनी है और उसको ऐसा रखना है और अभी जस्ट सो के उठा, मस्त क्या मस्त नींद आई। अभी देखा खिड़की, सब लोग खेल रहे हैं नीचे वॉलीबॉल, तो मैं भी जा रहा हूँ अभी। तो सुबह जब मैं अपने दोस्त लोग के साथ अपने फ्रेंड के घर पे गया था तो एक दोस्त ने बोला था कि तू जैक स्नाइडर का आर्मी ऑफ द डेड देखो, बहुत सही मूवी है।
मैंने वो डाउनलोड कर लिया। अभी मैं वीडियो एडिट करने बैठूंगा, ये वाला ब्लॉग नंबर 70, फिर मैं वो मूवी देखने वाला हूँ। सो आज रात थोड़ी लंबी होने वाली है, कल सुबह ब्लॉगिंग के लिए फिर से जाना है। तो व्लॉग यहीं पे ख़त्म करने का समय आ चुका है। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, मैं थोड़ा बाहर गया हूँ इसमें, मेरे को भी आज बहुत अच्छा लगा बाहर जाके। सो आप लोग ने भी थोड़ा बाहर का व्लॉग देखा रहेगा, वरना घर घर हो रहा था सब। सो आई होप आपको, फिर से एक ही चीज़ बार बार बोल रहा हूँ मैं, सो आप लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, चलो बाय।